साथियों नमस्कार, हम बात कर रहे हैं इस समय मिसचीफ की, जिसे हिंदी में रिस्ट कहा जाता है, अर्थात शरारत। कोई व्यक्ति अगर किसी को जानबूझकर शरारत करके इस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है कि जिससे उस व्यक्ति का कुछ ना कुछ नुकसान हो जाए, और वह इंटेंशन में करे, ऐसा इरादेपूर्ण तरीके से करे, अपने होशो हवास में ऐसे से करे, तो यह जो है एक प्रकार का दंडनीय अपराध बताया गया है। भारतीय दंड संहिता 1860 की आईपीसी की धारा जो 430 है, उसके संबंध में आज हम शुरुआत करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आशयपूर्ण इरादे से किसी व्यक्ति की सिंचित जमीन या जल को जो है रोकता है, जिससे किसी पशु पक्षी का नुकसान हो, जीव जंतु का नुकसान हो, या किसी की सिंचाई व्यवस्था उससे प्रभावित हो रही हो, कृषि व्यवस्था पर उसका असर पड़ रहा है, क्योंकि जल का काम है हमेशा चलना, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसको मोड़ देता है, यानी जो नियम बनाए गए हैं, अगर उस नियम के विपरीत जा करके उस जल का जो है रुख जो है दूसरी तरफ मोड़ देता है, उसको जो है दूसरी तरफ ऐसा कर देता है कि जिससे किसी ने किसी का नुकसान हो जाए, चाहे वह निर्माण कार्य कोई कर रहा है उसका नुकसान हो जाए, या फिर कोई कृषि कार्य कर रहा है उससे नुकसान हो जाए, जीव जंतुओं को पानी पीने की व्यवस्था ना हो पाए, इस तरीके का नुकसान हो जाए, तो यह जो है आईपीसी की धारा 430 में दंडनीय अपराध बताया गया है। 5 साल तक की सजा का इसमें प्रावधान है, साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है, या मजिस्ट्रेट द्वारा दोनों ही लगाया जा सकता है। अब इसके बाद हम अगले धारा में चलते हैं, आईपीसी की धारा 431 में। आईपीसी की धारा 431 बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिसचीफ में यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर का कोई सामान तोड़ता फोड़ता है, अपने गार्जियन से रुष्ट हो जाता है, घर का सामान पंखा तोड़ देता है या टीवी तोड़ देता है, तो उसके लिए भाई कोई सजा नहीं है। कोई भी व्यक्ति है तो उसके उस घर वाले नाराज होते हैं, तो उसको चाहे जो दंड दें, लेकिन अगर वही व्यक्ति बाहर निकल कर किसी सड़क पर तोड़ फोड़ करे, किसी पुल का तोड़ फोड़ करना चालू कर दे, किसी सड़क में कोई गड्ढा खोद दे शरारत बस, तो यह भी दंडनीय अपराध बताया गया है, क्योंकि उससे किसी और का नुकसान हो सकता है। जैसे वह सड़क पर गड्ढा खोद दिया, अब कोई व्यक्ति वहां गाड़ी से जा रहा है, तो आईपीसी की धारा 432 यह बताती है कि अगर कोई व्यक्ति जल निकासी को जो है रोकने का प्रयास करता है, ड्रेनेज सिस्टम को जो है बाधित करता है, जिसके कारण वहां के लोगों को, जो समाज है, गांव है, कस्बा है, या घर है किसी का, उसका नुकसान होना शुरू कर दे। सामान्य रूप से जब कोई कस्बा बनाया जाता है, कोई गांव होता है, तो बरसात का जो पानी होता है एक सिस्टम से निकलता है, वह जो है पानी निकलता है जो एक नाली बनाई जाती है, अगर कोई उस नाली को ब्लॉक कर दे, रोक दे, तो पूरा गांव का जो पानी है, जो गंदा पानी है, पूरे गांव में फैल जाएगा, पूरे समाज में फैल जाएगा, बीमारियां पनप सकती हैं, किसी का घर डूब सकता है। इस तरीके की कोई हरकत करता है, कोई शरारत करता है, रिस्ट करता है, मिसचीफ करता है, तो आईपीसी की धारा में इसे भी अपराध बताया गया है। आईपीसी की धारा 432 में इसमें बताया गया है 5 साल तक की सजा और साथ साथ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। आईपीसी की धारा 433 के बारे में हम बात करते हैं। साथियों, सबसे पहले जानना जरूरी है कि जिस समय आईपीसी का निर्माण हुआ था, भारतीय दंड संहिता 1860 का निर्माण हुआ था, उस समय स्थित परिस्थिति कुछ दूसरी थी। उस समय ज़्यादातर वायुयान नहीं चलते थे, गाड़ी मोटर कम चलते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा समुद्री यात्रा चलती थी, समुद्री यात्रा होती थी। लोग महासागरों से जो है सात समंदर पार होकर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। तो उस समय जो है एक नेविगेशन लगाया जाता था, अर्थात जो जहाजें जाती थी, जो शिप होती थी, जब वो पानी से होकर गुजरती थी, क्योंकि पानी का जो रास्ता तो कोई क्लियर होता नहीं है, सड़क की तरह कि सड़क है, सड़क से ही गुजरे, पानी में एक सिस्टम ये होता है कि वहाँ पर एक नेविगेशन लगाया जाता था, एक बड़ा खम्भा होता था और उस खम्भे के आसपास लाल या हरी लाइटें लगी रहती थी, उसमें एक नेविगेशन किया जाता था कि जहाजों को किस तरफ मुड़ना है और किस तरफ जाना है। तो उस संबंध में इसमें बताया गया है दंड का प्रावधान कि अगर कोई व्यक्ति उस सिस्टम को, जो नेविगेशन बनाया गया है, जो बत्तियां लगाई गई हैं जिसको देखकर यात्री जो है अपना रास्ता जो है बदलते थे, अगर उसमें कोई छेड़खानी करता है, अर्थात जहां पर लाल बत्ती जलनी चाहिए वहां पर कोई हरी जला दे, या फिर जो है कोई ऐसा कार्य करे जिससे किसी यात्री को नुकसान हो जाए और वो अपना रास्ता जो है भटक जाए, तो इसे जो है दंडनीय अपराध बताया गया है। आईपीसी की धारा में 5 साल तक की सजा और साथ साथ जुर्माने का भी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आईपीसी की धारा 434 की तरफ चलते हैं। आईपीसी की धारा 434 आप समझने से पहले समझ लीजिए कि कभी कभी आप देखते हैं कि रास्ते में जब आप कहीं पर आप जाते हैं तो लिखा होता है कि कार्य प्रगति पर है,
आप सावधान हो जाइए, धीरे चलिए, आगे स्कूल है, आगे कुछ इस तरीके का जो है सिंबल जो है बनाया जाता है, यातायात नियमों का सिंबल बनाया जाता है, कुछ एक जगह पत्थर लगे होते हैं जिसमें यह इंगित किया जाता है कि कोई शहर लखनऊ 15 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, सुल्तानपुर इतनी दूर है। तो कुछ इस तरीके का लोगों को जो है सुविधा देने के लिए, लोगों को जानकारी देने के लिए, जिससे लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए कुछ ना कुछ ऐसे सिंबल बनाए जाते हैं, कुछ लिखा जाता है, तो लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से उसको बनाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति उस सुरक्षा की दृष्टि से बनाए गए जो सिंबल हैं उसको तोड़ने की कोशिश करता है, उसको तोड़ता है, उसको छत पहुंचाता है, शरारत करता है, और यह जानते हुए कि इससे लोगों का नुकसान हो सकता है, तो निश्चित रूप से यह दंडनीय अपराध बताया गया है। जैसे कोई स्कूल है और स्कूल रोड के किनारे है और वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कि आगे स्कूल है, जिससे जितने भी वहाँ पर सफ़र करने वाले यात्री हैं सभी जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, लेकिन किसी व्यक्ति ने वह बोर्ड हटा दिया, और जिससे यह संभावना प्रबल हो जाती है कि अब जो है क्योंकि बोर्ड लगा नहीं है और वह व्यक्ति जो है गाड़ी जो है अपनी रफ्तार से ही चला रहा है, तो दुर्घटना की संभावना बन सकती है, और ऐसा करने पर उसमें भी 5 साल तक की सज़ा और साथ साथ जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगली धारा में हम चलते हैं, IPC की धारा 435 की तरफ। अगर कोई शरारत बस, कभी कभी गांव में ये होता है कि गेहूं की फसलें जब हमारी तैयार होती हैं तो गर्मी का सीजन रहता है, माचिस से जो है कोई बीड़ी जलाता है और शरारत बस जो है किसी के खेत में फेंक देता है, उसकी पूरी फसल जो है नष्ट हो जाती है, या कभी कभी गेहूं की जब मड़ाई होती है तो उसमें से भूसा निकलता है और भूसे को कभी कभी जला दिया जाता है, कोई शरारती तत्व, कोई शरारत करने वाला व्यक्ति आता है और उसमें आग लगा देता है। जानबूझकर ऐसा करने पर 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान IPC की धारा 435 में दिया गया है। अर्थात कृषि उपकरण की जिसका मूल्य 10 रुपये से अधिक है, 10 रुपये से इसलिए क्योंकि 1860 में बनाया गया था, तो उस समय 1860 के समय में 10 रुपये का मूल्य बहुत अधिक था। अर्थात इसमें सिर्फ कृषि उपकरण ही नहीं बल्कि कोई ऐसा भी कोई उद्योग किया है, कोई कबाड़ी है वो अपना कबाड़ का धंधा चला रहा है, कोई आदमी उसमें जाकर आग लगा दे इस आशय से कि उसका नुकसान हो जाए, तो 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, साथ ही साथ जुर्माना दोनों लगाया जा सकता है। IPC की धारा 436 की तरफ हम चलते हैं। यह धारा यह बताती है कि अगर किसी के घर में कोई आग लगाता है, इस आशय के साथ लगाता है, वह जानता है कि ऐसा करने से उसका घर जल जाएगा, तो इसे जो है बहुत ही गंभीर मामला बताया गया है। सामान्य रूप से कई जगहों पर यह देखा जाता है, तहरीर देते समय लोग जो है लिख देते हैं, या कई जगहों पर जो है आपने देखा होगा कि लोग घर जो है जलाने की तहरीर दे देते हैं, किसी का अगर घर जलाया जाता है तो वहाँ पर जो है 436 होगा जो है कि अर्थात घर होना, किसी का ऐसा नहीं हो कि जो है वहाँ पर लोग ना रह रहे हों, कोई पशुशाला है उसको जला दिया जाता है, वहाँ पर नहीं लागू होता है धारा, लेकिन 436 वहाँ पर लागू होता है जहाँ पर रिहायशी मकान है, अर्थात किसी का घर है वहाँ पर लोग रह रहे हैं, अगर उसको जलाता है कोई व्यक्ति तो IPC की धारा में 10 साल तक का सजा या उसे बढ़ाकर आजीवन कारावास दिया जा सकता है, साथ ही साथ जुर्माना भी इसमें कंपलसरी है, जुर्माना भी देना पड़ेगा, जो भी आरोपी है अपराध सिद्ध होने पर उसे जो है जुर्माना भी देना पड़ेगा, क्योंकि उसने जो नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई वही आरोपी करेगा, इसलिए जुर्माना इसमें कंपलसरी है।